मुझे बस इतना याद है कि मेरे दोनों हाथ पैर पूरी तरह सुन्न पड़ चुके थे, मेरे शरीर के किसी भी हिस्से में जरा सी भी अनुभूति नहीं बची थी और मैं एक स्ट्रेचर पर पड़ा होश और बेहोशी के बीच झूले झूल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही सैकड़ों लोहे के टुकड़े मेरी छाती के आर पार हो गए थे और इनमें से कुछ ने मेरे फेफड़ों और पसलियों को छलनी कर दिया था। लोहे का एक नुकीला टुकड़ा तो मेरे दिल के आर पार निकल गया था और अब मेरी नजरें मुझे ले जा रहे हेलीकॉप्टर के पंखों पर टिकी हुई थी जो हर बीतते क्षण के साथ धीमे और धुंधले होते जा रहे थे। मेरी बंद पड़ रही आंखों के सामने बार बार मेरी 3 साल की बच्ची का चेहरा आ रहा था जो बस यही कहे जा रही थी कि मेरे पापा को कुछ नहीं होगा, मेरे पापा सबसे स्ट्रांग हैं। लेकिन मुझे पता था कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा और मेरा चेकअप करने वाले डॉक्टर का भी कुछ यही मानना था। एनकाउंटर की साइट पर मौजूद मेरे साथी ने तो मुझे मृत मान शोक मनाना भी शुरू कर दिया था। आधी अधूरी टूटी फूटी सी कुछ आवाज़ें भी मेरे कानों में पड़ रही थीं, आवाज़ें जो कह रही थीं कि ये मरीन कमांडो मृत्यु के इतना करीब जा चुका है कि अब इसे वापस नहीं लाया जा सकता। आज 16 साल बाद जब इस मरीन कमांडो को भारत की पहली मार्कोस यूनिट INS कर्ण का CEO बनाया जा रहा है तो इसकी आंखों के सामने उस एनकाउंटर की ये तस्वीरें फ्लैश हो रही हैं। आज 16 साल बाद भी इस कमांडो को अपना वो दर्द बिल्कुल वैसे ही महसूस होता है। शरीर की नस नस को कपा देने वाले उस बेअंत दर्द की लहरें आज भी इस मरीन कमांडो को नींद से जगा देती हैं। आज विशाखापट्टनम में चल रहे इस समारोह में मौजूद हर व्यक्ति को ये बात पता है कि इस कमांडो के सल्यूट में केवल उपलब्धि का बोध नहीं है बल्कि इसके अभिवंदन में एक चमत्कारी ऊर्जा भी है। यहाँ बैठे तालियां बजा रहे इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि उस एनकाउंटर के 16 साल बाद ये कमांडो इनके सामने खड़ा अपने जीवन के हर क्षण को इस प्रकार जी रहा होगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि एक इंसान मृत्यु के इतना पास जाकर वापस लौट आया हो। लेकिन इंडियन नेवी का ये मरीन कमांडो शायद इंसान है ही नहीं, ये तो एक देव है, समुद्र का देव वरुण, जिसने स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर यमराज को हराया और धरती पर वापस आ गया। नमस्कार, जय मां भारती। मध्य प्रदेश के सतना जिले में इंडियन नेवी के एक सेलर के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है। इस बेटे की जन्म कुंडली देखकर पंडित कहता है कि इस लड़के की मृत्यु धरती पर नहीं बल्कि पानी में होगी, जल इसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसीलिए ये पिता अपने बेटे का नाम समुद्र के देव वरुण के ऊपर रख देता है। कैप्टन वरुण सिंह ने जब से हो संभाला केवल एक ही सपना देखा, देश की रक्षा के लिए लड़ना, LOC के ऊपर सर्व करते हुए सीमा पार से आने वाले घुसपैठियों को अपने देश के अंदर घुसने से रोकना। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो 1989 में NDA का एग्जाम देते हैं और सेलेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन पिता चाहते थे कि उनका बेटा आर्मी नहीं बल्कि नेवी ज्वाइन करे और इसीलिए ये जानते हुए भी कि नेवी का कश्मीर में कोई काम नहीं है, LOC के ऊपर नेवी के ऑफिसर्स को पोस्ट नहीं किया जाता, कैप्टन वरुण सिंह सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आर्मी से स्विच मार के नेवी में आ जाते हैं। अपने पिता को खुश करने के लिए कैप्टन वरुण सिंह नेवी में आ तो गए थे, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि अब उनका कश्मीर में सर्व करने का ये सपना एक सपना ही रह जाएगा। अब नेवी उनको एक्शन से कहीं बहुत दूर समुद्र में पोस्ट कर देगी और होता भी ऐसा ही है। नेवी में आने के थोड़े समय बाद ही उन्हें एक वॉरशिप के ऊपर नेविगेटिंग ऑफिसर की पोस्ट दे दी जाती है। देखते ही देखते एक के बाद एक कई साल गुजर जाते हैं, कैप्टन वरुण सिंह का विवाह हो जाता है और 1997 में वो एक प्यारी सी बेटी शिवानी के पिता भी बनते हैं। पिता बनने के बाद तो कैप्टन वरुण सिंह को पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि उनका कॉम्बैट ड्यूटी का ये बचा कुचा सपना भी अब पूरी तरह दम तोड़ चुका है। अपने अंदर की इस मायूसी को वो कभी किसी के सामने जताते नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी रीना सिंह भांप लेती हैं कि कश्मीर में सर्व ना कर पाने की ये कसमसाहट उनके पति को अंदर ही अंदर कचोट रही है और इसीलिए वो अपने पति को कॉम्बैट पोस्टिंग के लिए प्रेरित करना शुरू कर देती हैं।
अपनी पत्नी के बार बार कहने पर कैप्टन वरुण सिंह इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स मार्कोस के लिए अप्लाई कर देते हैं। उनके इस निर्णय से उनके जानने वाले यार दोस्त बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जब उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कि पिता बनने के बाद मार्कोस जैसी बेहद खतरनाक यूनिट में जाने की क्या तुक है, तो कैप्टन वरुण कहते हैं कि इस यूनिट में खतरा है, इसीलिए तो तुक है। दुनिया में और कौन सी ऐसी नौकरी होगी जो खतरों से खेलने के पैसे देती हो। अभी अभी पिता बने कैप्टन वरुण पहले तो मार्कोस के अत्यंत कठिन सिलेक्शन प्रोसेस को पास करते हैं और फिर दुनिया की सबसे कठोर ट्रेनिंग्स में से एक मार्कोस के ट्रेनिंग प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा कर इंडियन नेवी के मरीन कमांडो बन जाते हैं। कारगिल खत्म हुए 5 महीने हो चुके थे और पूरी कश्मीर घाटी में भीषण बर्फबारी हो रही थी। यही वो समय था जब कैप्टन वरुण सिंह पहली बार श्रीनगर में अपने कदम रखते हैं। इस नए नवेले मरीन कमांडो को वुलर झील पर डिप्लॉय किया गया था। झेलम में स्थित एक विशालकाय झील जो श्रीनगर से 1 घंटे की दूरी पर थी। पहाड़ों से घिरी वुलर झील देखने में जितनी सुंदर और सौम्य थी, देश की सुरक्षा के लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी थी। ये झील LOC क्रॉस करके आने वाले घुसपैठियों के लिए एक हाईवे बन चुकी थी। वुलर झील आतंकियों को एक अच्छा कवर तो प्रदान करती ही थी, लेकिन श्रीनगर तक का उनका सफर भी 40 किलोमीटर कम कर दिया करती थी। यही कारण था कि 1996 में भारत सरकार ने मार्कोस के एक स्क्वाड को इस झील पर डिप्लॉय कर दिया था। इस स्क्वाड का काम वुलर झील को सिक्योर करना और इसके चारों तरफ 24 घंटे पेट्रोलिंग करना था। कैप्टन वरुण सिंह के मार्कोस स्क्वाड को आर्मी की 15 राष्ट्रीय राइफल्स के अंडर वुलर झील पर डिप्लॉय किया गया था। 15RR के CO कर्नल SK झा भी अपने अंडर डिप्लॉयड इन मरीन कमांडोज को एक्सपोजर और अनुभव देने के लिए लेक से दूर दूसरे इलाकों में भी पेट्रोलिंग पर भेज दिया करते थे। वुलर पर तैनात इन मरीन कमांडोज के पास सर्दियों में अत्यंत प्रतिकूल मौसम का सामना करने के अलावा और कुछ करने को नहीं होता था। लेकिन अप्रैल आते ही बर्फ पिघलने लगती थी और LOC से घुसपैठ शुरू हो जाती थी। इसलिए मार्च का महीना खत्म होते ही कैप्टन वरुण और उनके मार्कोस स्क्वाड को हर क्षण अपने पंजों पर तैयार रहना होता था। 2 मई का दिन शुरू हो चुका था। समय आधी रात से 2 घंटे ऊपर हो चला था जब वतलाब में स्थित 15RR के हेडक्वार्टर्स को एक इंटेलिजेंस टिप ऑफ मिलता है कि वुलर के पास पहाड़ों में आतंकियों के कुछ बंकर्स मौजूद होने की संभावना है। इस इनपुट के आते ही कैप्टन वरुण सिंह और उनके साथ मार्को साथियों को इस टिप ऑफ की जाँच करने के आदेश दे दिए जाते हैं। ये 8 मरीन कमांडोज आर्मी के 100 फौजियों के साथ मिलकर इन 3 पहाड़ों का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर देते हैं। सिंगल लाइन फॉर्मेशन में चल रहे ये फौजी एक एक कर हर पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं और फिर नीचे उतरते हुए पहाड़ों के बीच बनी दरारों और गुफाओं को बहुत ही सावधानी से चेक करने लगते हैं। इन दरारों का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा छिपने के अलावा अपने हथियारों और दूसरी सामग्री के लिए एक स्टोर की तरह भी किया जाता था। पहली रात सर्च पार्टी को इन पहाड़ों में कुछ भी नहीं मिलता और 2 मई की दोपहर होते इस पार्टी के सभी फौजी खाना खाने के लिए एक सिक्योर्ड लोकेशन पर इकट्ठा होने लगते हैं कि तभी इनके रेडियो पर एक जोर की हलचल होती है। रेडियो पर सुनाई पड़ रही एक तीखी आवाज संदेश देती है कि बांदीपुरा में वुलर लेक से थोड़ी ही दूरी पर स्थित पुट्टुशाही गांव में एक एनकाउंटर चल रहा है। इस मैसेज के अनुसार गांव के एक 2 मंजिला घर में छिपे अलबद्र के 3 आतंकी दूसरी मंजिल से अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। अपने रेडियो पर इस मैसेज को सुनते ही कैप्टन वरुण सिंह अपना खाना छोड़ तुरंत सर्च पार्टी के लीडर के पास जाते हैं और उससे अपने मार्कोस स्क्वाड को एनकाउंटर साइट पर भेजने का आग्रह करने लगते हैं। कुछ मिनट बाद कैप्टन वरुण सिंह और उनके बड़ी लीड मैकेनिकल इंजीनियर विजय सिंह रावत को बाय रोड लोकेशन पर पहुंचने की अनुमति दे दी जाती है और 45 मिनट बाद ये दोनों मरीन कमांडोज एनकाउंटर साइट पर पहुंच चुके होते हैं, जहां ऑपरेशन को हेड कर रहे ऑफिसर से निर्देश लेने के बाद ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। ये 2 मंजिला घर जिसमें 3 आतंकी छिपे हुए थे लगभग 18 फीट ऊंचा था। इसके चारों तरफ एक 6 फीट की दीवार और नीचे एक तहखाना भी बना हुआ था। घर के पिछले हिस्से में गाय भैंसों को बांधने के लिए एक छोटा सा तबेला था और ये घर चारों तरफ से कई सारे 2 मंजिला घरों से घिरा हुआ था। इंडियन आर्मी सबसे पहले एक एक घर में जाकर लोगों को बाहर निकाल सकुशल पास के गाँव में भेजना शुरू कर देती है। आतंकियों वाले घर के सबसे नजदीक दूसरा घर इसकी दाईं तरफ बना हुआ था। कैप्टन वरुण और विजय दौड़ते हुए घर में घुसते हैं और सीढ़ियां चढ़ते हुए इस घर की दूसरी मंजिल की बालकनी में पोजीशन ले लेते हैं। ये बालकनी उस घर के ऊपर एक अच्छा वेंटेज पॉइंट प्रदान कर रही थी जिसमें ये तीनों आतंकी छिपे हुए थे। अपनी टैक्टिकल बाइनोकुलर से उस घर का निरीक्षण करने के बाद कैप्टन वरुण अपने बड़ी विजय की तरफ एक इशारा करते हैं और उसको कवर फायर देने के लिए अपनी राइफल से सिंगल फायर मोड में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं।
फायरिंग शुरू होते ही विजय खड़ा होता है और अपनी कमर से दो ग्रेनेड्स निकालकर उस घर की दोनों मंजिलों पर एक एक करके फेंक देता है। कैप्टन वरुण ने सोचा था कि ग्रेनेड का धमाका दोनों आतंकियों को अपने कवर से बाहर आने पर मजबूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों ग्रेनेड्स फटते हैं, जोर की आवाज भी होती है, लेकिन सफेद धुएं के अलावा उस घर से और कुछ बाहर नहीं निकलता। विजय अपने दोनों ग्रेनेड इस्तेमाल कर चुका था और अभी कैप्टन वरुण अपना एक ग्रेनेड उसके हाथों में थमा ही रहे थे कि तभी उनके रेडियो पर आर्मी लीडर का मैसेज आता है, जो उस घर के अंदर आरडीएक्स प्लांट करने में उनकी सहायता चाहता था। कैप्टन वरुण फटाफट अपने उस ग्रेनेड को वापस अपने पाउच में डालते हैं और दौड़े दौड़े उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां विस्फोटक को तैयार करने का काम चल रहा था। एक्सप्लोसिव में विशेष ट्रेनिंग रखने वाले कैप्टन वरुण की सहायता से विस्फोटक को असेंबल किया जाता है और 15 RR का एक जवान इस विस्फोटक को उस घर के ग्राउंड फ्लोर पर प्लांट कर देता है। विस्फोटक प्लांट हो चुका था और आर्मी लीडर का इशारा मिलते ही इसे डेटोनेट कर दिया जाता है। एक बहुत जोर का धमाका होता है, लेकिन इस घर की एक भी ईंट बाहर की तरफ नहीं आती, बल्कि ये घर अपनी जगह पर खड़ा खड़ा बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ ढह जाता है। चारों तरफ धूल और धुएं का एक विशालकाय गुबार फैल जाता है और 20 मीटर की रेडियस में जितनी भी खिड़कियां थी उन सब के शीशे पूरी तरह चकनाचूर हो जाते हैं। जब धूल का एक गुबार छटना शुरू होता है तो कैप्टन वरुण सिंह और विजय गद्दे के पीछे से बाहर निकलते हैं और दोबारा बालकनी में जा उस घर के मलबे में आतंकियों को स्पॉट करने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे ही धूल पूरी तरह छटती है तो दोनों मार्कोस को मलबे के ढेर में पड़ी एक आतंकी की बॉडी दिखाई पड़ती है, लेकिन बाकी के दो आतंकियों का कोई निशान दिखाई नहीं देता। कैप्टन वरुण अपनी घड़ी में देखते हैं कि शाम के 5 बज चुके हैं और जल्दी सूरज छिपना शुरू हो जाएगा। यदि आतंकी जिंदा हैं तो वो अंधेरे का फायदा उठा यहां से भागने का प्रयास अवश्य करेंगे। कैप्टन वरुण और विजय मलबे के ऊपर अंधाधुंध गोलियों की बरसात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्कोस का मोटो कहता है एक गोली एक दुश्मन। मार्कोस में कमांडोज को सिखाया जाता है कि जो चीज दिखाई नहीं पड़ती उस पर गोली भी नहीं चलाई जाती। कुछ मिनट बाद कैप्टन वरुण सिंह उस घर की दीवार लांग अंदर घुसते हैं और मलबे में पड़े आतंकी की नर्व्स चेक करने लगते हैं। जैसे ही वो अपने रेडियो पर उस आतंकी की मृत्यु कंफर्म करते हैं, बाहर खड़े जवानों में जोश की लहर दौड़ जाती है, लेकिन यही जोश इस ऑपरेशन में फौज की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। ये एनकाउंटर साल 2000 की गर्मियों का सबसे पहला ऑपरेशन था और अपनी पहली जीत के जोश में भावुक हो चुके 14 भारतीय जवान इस घर के अंदर घुसते हैं और मलबे की जाँच करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक जवान अपने ग्रुप से अलग हो घर के पिछले हिस्से में पहुंच जाता है जहां वो छोटा सा तबेला बना हुआ था। जोश और ऊर्जा से ओतप्रोत ये जवान अपनी ट्रेनिंग को भुला तबेले के दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तबेले के अंदर से 2 AK-47 राइफल चलने की आवाज आती है और एक के बाद एक कई गोलियां इस जवान को छलनी कर देती है। 15 RR का ये रंगरूट मौके पर ही वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तबेले में छिपे दोनों आतंकी रेडी टू फायर पोजीशन में बहुत धीरे से बाहर निकलते हैं और जैसे ही भागने के लिए दाईं तरफ मुड़ते हैं तो उनके सामने कैप्टन वरुण सिंह खड़े होते हैं। कैप्टन वरुण सिंह की पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगती है। उनका वो सपना जिसके लिए उन्होंने इतने साल मेहनत की थी, अब वो सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका था। अभी कैप्टन वरुण सिंह अपनी राइफल को ऊपर उठाना शुरू ही करते हैं कि उनकी नजर 21 साल के रंगरूट जवानों पर पड़ती है, जो ये पूरा दृश्य देख सदमे के मारे अपनी ही जगह पर जम चुके थे। कैप्टन वरुण सिंह एक नजर आतंकियों पर डालते हैं और दूसरी इन दोनों जवानों के ऊपर और फिर अपने एक हाथ से आतंकियों की दिशा में फायरिंग करते हुए इन जवानों की तरफ डाइव मारते हैं और अपने दूसरे हाथ से दोनों जवानों को जमीन पर गिरा देते हैं। इसका फायदा उठा दोनों आतंकी कैप्टन वरुण से दूर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी वो 5 मीटर दूर भी नहीं पहुंच पाते कि उनकी दाईं तरफ जमीन पर लेटे कैप्टन वरुण सिंह अपनी TAR-21 राइफल का ट्रिगर दबा देते हैं। कैप्टन वरुण सिंह की राइफल से टोटल 7 गोलियां निकलती हैं और एक भी गोली अपने निशाने से नहीं चूकती। गोलियां लगते ही दोनों आतंकी नीचे गिरने लगते हैं और इसी दौरान एक आतंकी की उंगली से उसकी AK-47 का ट्रिगर दब जाता है। उसकी राइफल से निकली एक गोली सीधा नीचे लेटे कैप्टन वरुण सिंह की तरफ आती है और उनके शरीर से बंधे उसी ग्रेनेड पर आकर लगती है जिसे थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने पाउच में रखा था। लेकिन कैप्टन वरुण और वहां मौजूद दूसरे जवानों की किस्मत अच्छी थी कि 7.62 mm की दैत्यकाय गोली
गोली लगने के बाद भी इस ग्रेनेड में विस्फोट नहीं होता। असल में कैप्टन वरुण की बुलेट प्रूफ जैकेट ने इस ग्रेनेड के लीवर को जाम कर दिया था। यही कारण था कि ये डेटोनेट तो नहीं हुआ था, लेकिन इसके ऊपरी हिस्से के परखच्चे उड़ चुके थे और ग्रेनेड से निकले लोहे के सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़े पूरी फोर्स के साथ कैप्टन वरुण सिंह के शरीर में घुस गए थे। पास वाले घर की बालकनी से पूरा दृश्य लाइव देख रहे विजय को अपने रेडियो पर आर्मी लीडर से आदेश मिलता है, विजय अपने रॉकेट से तबेले को उड़ा दो। बिना एक क्षण का संकोच किए विजय उत्तर देता है, नहीं नहीं मेरे साहब अंदर है, पहले मुझे उनको लेकर आना है। ये सुनते ही गुस्से से भर चुका आर्मी लीडर एक बार फिर से विजय को आदेश देता है, तबेले को रॉकेट से उड़ाओ और जल्दी वहां से बाहर निकलो, इट्स एन ऑर्डर। ये जानते हुए भी कि एक ऑपरेशन के दौरान अपने सीनियर के आदेश को ना मानने के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, विजय एक बार फिर इस आदेश को मानने से इनकार कर देता है। आखिरकार हार मानते हुए ये आर्मी लीडर विजय से कहता है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, जल्दी कैप्टन वरुण की बॉडी को बाहर निकालो। विजय फटाफट दीवार लांग उस घर के अंदर घुसता है और अपने एक हाथ से राइफल को नीचे पड़े दोनों आतंकियों की तरफ किए कैप्टन वरुण की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। कैप्टन वरुण के पास पहुंचने के बाद विजय नीचे झुकता है और उनके शरीर पर बंधे क्षतिग्रस्त ग्रेनेड को अत्यंत सावधानी के साथ बाहर निकालता है। अपने दोनों हाथों से ग्रेनेड के लीवर को वापस अंदर की तरफ दबाने के बाद विजय अपनी सांसें रोक बहुत धीरे धीरे डेटोनेटर को बाहर निकालता है और इस ग्रेनेड को डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद विजय कैप्टन वरुण की नब्ज चेक करता है तो उसे बहुत ही कमजोर सी पल्स महसूस होती है। मेरे साहब जिंदा है, जल्दी करो, मेरे साहब जिंदा है। ये चिल्लाते हुए विजय अपने रेडियो पर इमरजेंसी इवैक का मैसेज रिले कर देता है। फर्स्ट एड के बाद कैप्टन वरुण सिंह को 12 किलोमीटर दूर वतलाब में 15RR के हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है, जहां उनकी जांच करने के बाद डॉक्टर कहता है कि अब इस कमांडो को बचाया नहीं जा सकता। कैप्टन वरुण को वतलाब से श्रीनगर ले जाने के लिए शरीफाबाद में आर्मी के एक चीता हेलीकॉप्टर को अलर्ट कर दिया जाता है, लेकिन समस्या ये थी कि सूरज छिपना शुरू हो चुका था और अंधेरे में यह हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता था। इसीलिए इस चीता के दोनों पायलट्स को स्टैंड डाउन करने का आदेश दे दिया जाता है। ये दोनों ही पायलट्स अभी 2 दिन पहले ही एक यूनिट पार्टी में कैप्टन वरुण सिंह से मिले थे और इसीलिए कुछ ना करने के आदेश को नजरअंदाज करते हुए ये पायलट्स अंधेरे में ही फ्लाइट भरने का निर्णय ले लेते हैं। श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचते ही वहां के इंचार्ज लेफ्टिनेंट कर्नल रवि काले कैप्टन वरुण सिंह का निरीक्षण करते हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये लेफ्टिनेंट कर्नल समझ जाते हैं कि अब कैप्टन वरुण को बचाया नहीं जा सकता। इसके ऊपर काम करना बेकार है, ये जीवन से बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। ये कहते ही लेफ्टिनेंट कर्नल रवि काले वार्ड से बाहर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ना जाने क्यों दरवाजे पर जाकर रुक जाते हैं। वापस घूमते हैं और उनके सामने लहूलुहान पड़े इस मरीन कमांडो पर एक और नजर डालने के बाद वहां खड़े अपने स्टाफ से कहते हैं, ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दो। रात के 8:30 बजे कैप्टन वरुण सिंह को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और ऑपरेशन पूरा होने के लगभग 48 घंटे बाद उन्हें होश आ जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल रवि काले अभी अभी होश में आए कैप्टन वरुण का हाथ अपने हाथ में ले उनसे पूछते हैं, कैप्टन अब आपको कैसा लग रहा है? भारी दवाइयों के असर से बहुत ज्यादा गफलत में होने के बावजूद भी ये मरीन कमांडो अपने दूसरे हाथ से थम्स अप का इशारा करने लगता है। वहां मौजूद किसी भी आर्मी डॉक्टर ने अपने करियर में ऐसा दृश्य पहले कभी भी नहीं देखा था। आईसीयू में 1 हफ्ता बिताने के बाद कैप्टन वरुण सिंह को आर्मी प्लेन से दिल्ली के आर्मी R&R हॉस्पिटल ले जाने की अनुमति दे दी जाती है। एनकाउंटर के बाद पहली बार कैप्टन वरुण सिंह के परिवार को भी आर्मी R&R में उनसे मिलने की अनुमति मिल जाती है। कैप्टन वरुण के परिवार से सबसे पहले उनकी बेटी शिवानी हॉस्पिटल के उस कमरे में दाखिल होती है। मरीन कमांडो की ये 3 साल की बेटी किसी तरह एक स्टूल के ऊपर चढ़ती है और बिस्तर पर लेटे अपने पापा के हाथ पर अपना गाल रखते हुए तोतली जबान में कहती है, माई पापा स्ट्रॉन्गेस्ट, माई पापा स्ट्रॉन्गेस्ट। यमराज के सिर पे चढ़ उनको रुलाने वाला इंडियन आर्मी का मरीन कमांडो अपने जीवन में पहली बार फूट फूट कर रोने लगता है। कैप्टन
कैप्टन वरुण सिंह के शरीर पर जगह जगह प्लास्टर बांधा गया था जो कुछ समय बाद हट जाता, लेकिन उनके दोनों हाथों के अंदर कई सारी छोटी छोटी मेटल रॉड्स डाली गई थी और उनका दायां हाथ तो पूरी तरह बेकार हो चुका था। आर्मी R&R के डॉक्टर्स उन्हें इशारों इशारों में बता चुके थे कि अब कम से कम मार्कोस में तो तुम्हारा करियर खत्म हो चुका है, लेकिन कैप्टन वरुण सिंह डॉक्टर्स की ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अपने दोनों हाथों को फिर से मजबूत करने के लिए वो अगले 2 सालों तक स्क्वॉश के खेल में खूब ट्रेनिंग करते हैं और पूरे जी जान से दिन रात मेहनत करके वो अपने बाएं हाथ को एडवांस लेवल फायरिंग में ट्रेन करके ही दम लेते हैं। नेवी के उनके सुपीरियर्स को समझ में आ जाता है कि ये आदमी ऐसे हार नहीं मानने वाला। ये उनमें से नहीं है जिनको ट्रेनिंग देके एक मरीन कमांडो बनाया जाता है, बल्कि ये उनमें से है जो अपनी माँ के पेट से ही एक मरीन कमांडो पैदा होते हैं। अप्रैल 2002 में कैप्टन वरुण सिंह मुंबई में मार्कोस के ट्रेनिंग विंग की स्थापना करते हैं और इसके 3 महीने बाद उनके घर एक बेटे का आगमन होता है। 10 फरवरी 2016 के दिन जब उन्हें देश की पहली मार्कोस यूनिट INS कर्ण का CEO बनाया जा रहा था, तो अब 14 साल का हो चुका उनका बेटा सार्थक मीडिया वालों से बात करते हुए कहता है, मैं भी पापा की तरह मार्कोस ही ज्वाइन करूंगा, मम्मी चाहे जो भी कहती रहे, मैं तो इंडियन नेवी में एक मरीन कमांडो बन के ही रहूंगा। What makes you proud to be an Indian? If I have taken birth, I need to be proud of being Indian. Everything else about India needs to only compound my pride. This is a country which has survived thousands and thousands of years. Rishte banana itna aasan hai, jaise mitti par mitti se mitti likhna. But rishte nibhana itna mushkil hai, jaise pani par pani se pani likhna.